सुने जाते हैं। तो अमोल बोलना चाहोगे कुछ? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों का हम लोगों का जो मेन थॉट था इस गाने के पीछे, हम लोगों का थॉट था कि हमें इंटरनेशनल मार्केट को कवर करना ही है ना। अभी क्या होता है ना, हम लोग जब भी कोई क्लब में जाते हैं हमें सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, हमें बाहर के सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। तो हम लोगों का ये मोटिव था कि क्यों ना हिंदी गाने भी बाहर के क्लब्स में बजाए जाएँ, क्यों ना हिंदी गाने भी सिंगापुर के क्लब में, दुबई के क्लब में, US के क्लब में बजाए जाएँ, क्यों ना हमारे देश का नाम रोशन किया जाए। एंड आई टेल यू, आई ऐड जस्ट फ्यू लाइंस आर के सर से और हमारे संदीपा जी, और सबसे हमारी बात जब हुई, सर को भी मैसेजेस आ रहे हैं सिंगापुर से ना, सर को मैसेजेस आ रहे हैं सिंगापुर से, UK से, कि हमारा गाना वहाँ प्ले हो रहा है, हमारी गुड़िया फिल्म प्रोडक्शंस और म्यूजिक भी वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे गाने वहाँ तक सुने जा रहे हैं। तो इट हैज़ ऑल बीन योर लव, योर सपोर्ट एंड बाकी सर का सपोर्ट। तो या बाकी इट हैज़ बीन रियली काइंड, थैंक यू मीडिया पर्सन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर इन दिस इवनिंग टू मेक दिस इवनिंग मोर ब्यूटिफुल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड गाय, और टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने से और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और adding upon, you know, आपने वीडियो देखी ली है, the magic that Kangna has done, it's like really cool. Actually it was like amazing experience working in Jaipur, specially itni thand mein aur wo bhi nange pair, experience bahut acha raha aur team ke sath kaam karna aur bhi zyada acha raha and I think result aap sab log dekh chuke hain, bahut hi acha hai ji. Everybody is calling me and everybody is telling me like it's very good dance and like you're very active. That's true. ईजी तो नहीं था, ऑब्वियसली ही हैज हिज ओन मूव्स की टक्कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट अ बोर्न डांसर, मतलब जैसे गाना टोटली रॉन्ग, आई वोंट बिलीव दैट, नहीं जैसे इन्होंने मुझे गाने के बारे में बताया था, देन ओनली या आई वर्कड हार्ड, बट इनके सामने इन्होंने तो सीखा भी नहीं था, बट स्टिल ही वॉज रियली गुड। And obviously इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप लोगों ने गाना सुना भी और देखा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। And also add on, please. सारी मेहनत के पीछे जिसका हाथ है, इनका हाथ है, सामने आते नहीं है, हम लेके आए तो कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? काम एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले जो इन्होंने लोकेशन जो चूज़ किया था वो भी राजस्थान के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा सही था। और जो गाना, जैसे रेड ड्रेस मैंने पहना हुआ है, इन सब लोगों ने कॉम्बिनेशन किया हुआ है हर उसका, तो वो सेट लगाना, वो सेट करना हर चीज़ को, वो बहुत ही अच्छा था। और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर कभी सामने नहीं आते, वो हमेशा बैक ऑफ द टीम के पीछे रह के ही काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। आप सर से पूछते हैं, बिकॉज व्हेन वी वर फाइनलाइजिंग द कास्ट एंड एवरीथिंग, द वेरी फर्स्ट नेम दैट सर पिच्ड वाज योर नेम, एंड सर आई लव द वीडियो, ऑब्वियसली आपको पसंद आया? यस सर, या अभी भी आपके ऊपर ही शूट हो रहा है जी। एग्जैक्टली, गाने में करना कैसे थी बैठेंगे, कैसे आपको आया फैक्ट वो बताइए जी। जब इन्होंने या हबीबी का टाइटल दिया तब हमारे पास दो तीन ऑप्शन थे, लेकिन सबसे पहले मैंने इन्हीं का नाम सजेस्ट किया, मेला नहीं कंगना जी को ही हम करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर परफेक्ट वो शूट हो रहा था, क्योंकि मैंने इनके पीछे बहुत से वीडियोस वगैरह मैंने उनको देखा हुआ है। थैंक यू, इट वाज रियली अ गुड एफर्ट फ्रॉम यू नो प्रोडक्शन साइड, एंड ऑल्सो आई टेल यू मोर अबाउट, आई टेल द मीडिया मोर अबाउट कंगना सिंह। कंगना वॉज इल, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, कंगना वॉज इल, शी वॉज ऑन लाइक 103 डिग्री, 104 डिग्री, बट शी यू नो ब्रॉट हर टाइम टू इट एंड ऑल द एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स अब वीडियो में दिख रहा है, लाइक 1.5 इन अ सिंगल डे विद अ न्यू कंपनी, सिंगल डे एक्चुअली, और ऊपर से जो गाना है स्पेशली जस्ट वाओ, मैंने जैसे सुना था एंड आई थिंक माई कोरियोग्राफर ऑल्सो, तो सब ने वो गाना लाइक किया, और अभी जैसे मुझे बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं इस गाने के लिए, लाइक फीमेल सिंगर एंड मेल सिंगर्स एंड रैपर, लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग सीरियसली। थैंक यू कमेंट हुआ कि मुझे ये करना ही है, एंड दूसरी चीज़ ये थी कि अरेबिक पार्ट मुझे गाना था, सो दैट वाज रियली समथिंग न्यू फॉर मी, एंड मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप सबको भी अच्छा लग रहा हो। सो मुश्किल थोड़ी बहुत तो होती है जब नई कोई लैंग्वेज होती है, बट दीज गाइज वर देयर फॉर मी, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया एंड देन इट केम आउट नाइस। आगे सर, जैसे कहते हैं कि हिंदी की परत जरूरी ही जानता है, तो एक के बाद एक ही कैसे आपको मिलकर जाना, थोड़ा सा बताइए कंगना, उसके बाद ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, ये हमारा
बहुत अच्छा लग था, कहने का मतलब कि जैसे इन्होंने जो या हबीबी का सॉन्ग बोला, उसके बाद जब अरेबिक उसके अंदर साथ में ज्वाइन करने के लिए पार्ट का बोला और इनका नाम सजेस्ट किया, तो और इन्होंने जो इतने अच्छे से वो गाया है कि मतलब मैंने कम से कम 100 बार तो सुन लिया होगा। और अभी इन्होंने चैलेंज भी दिया वो सिंगिंग का, तो शायद मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, पर हो रहा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर एडिंग ऑन। बट अगर मैं बताऊँ आपको, फॉर दैट अरेबिक पार्ट, Jyothika will add, she also sings in 17 other languages. So Arabic was not that tough. And would aapko sunna hai fir se ek Arabic part? Let's have an Arabic. Let's have an Arabic. Sure, so hamare apne gaane ka part main ga deti hu. Ya habibi inna lak illal habibi daima wa hilal habibi ana rahuli ya habibi inna lak illal habibi دائما وهل الابيدي انا رغلي so here it is guys and humne jo challenge throw kiya hai that is also doing good so sab log le lijiye challenge but the thing is jo challenge hai hashtag sing like habibi we have been getting entries from exactly. all across and just now we had a discussion abhi hum is gaane ka india tour bhi kar rahe hain तो इंडिया टूर के बाद जो भी सिंग लाइक हबीबी हैशटैग सिंग लाइक हबीबी और हैशटैग डांस लाइक हबीबी है उनको कैश प्राइज एंड गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम गुडिया फिल्म्स एंड प्रोडक्शन। तो ये है, सो एवरीवन कैन यू नो बी अ पार्टिसिपेंट इन दैट। सिर्फ चार चार ही लाइन है, आप लोग प्लीज याद कर लीजिए और हो सके तो टैग अस एंड हमें अपनी एंट्रीज भेजिए, बिकॉज वी आर रियली वेटिंग। और मुझे सच में अभी तक की जो भी एंट्रीज आई आई एम लविंग इट ऑल, मैं सब शेयर कर रही हूँ। सो या वी वेटिंग। You wish like sir singing the Arabic part. मैं बस ज्योतिका दी के बारे में बस एक बात कहना चाहूँगा। मतलब जब हम लोगों ने ज्योतिका जी को बुलाया था ना, तो मतलब एक चीज़ थी कि उनकी जो वॉइस में जो पावर है ना, वो हमें गाने में बहुत ज़रूरत थी उस पावर की। तो फिर देखो, adding on what Amol is saying, we can say yeah habibi and Jyothika has been that earlier it was yeah habibi in ya habibi inna lak illal habibi tahima wa hilal habibi aharagli just added extra power, just you know, like extra power and the song is now booming up yeah. everywhere it is sounding very international first time jab maine gana suna tha to literally mere matlab goosebumps aa gaye the matlab it's like the song which is going to be huge for sure thank you aur usko aap hi banayenge huge so please guys keep sending us your love and keep supporting thank you. you sir अभी काफी already रात से चर्चा हो चुकी है, इतना बड़ा काम लॉन्च है, आप शुभकामनाएं देने आई हैं कुछ अपने मैं तो सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं दूंगा, आप सब यहाँ पे हो, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू गुड़िया फिल्म, कॉन्ग्रेचुलेशन टू माय डियर फ्रेंड राकेश कोठारी। बहुत ही गाना मैंने सुना है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, और जैसी मेरी राकेश भाई से बात हुई है, बहुत सारे गाने आने वाले हैं, और उसके लिए मैं गुड़िया फिल्म को और राकेश भाई कोठारी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। राकेश सर आप कितना खुशी कर रहे हैं आपकी, ये मेरा सबसे बेस्ट बड़ी है। जब मतलब कहते ना, एक अच्छा माहौल हो, अच्छी खुशियाँ, और साथ में मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, फिर क्या है, मज़े ही मज़े एकदम। और सबसे अच्छा दिन है मेरे लिए आज के, मेरा प्रोडक्शन का लॉन्चिंग है, गाना भी सक्सेस हो गया, और दोस्त लोग भी आ गए, और आप मीडिया वाले तो वही हो, बस सबका साथ और सपोर्ट चाहिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक टू गुड़िया फिल्म्स एंड राकेश कोठारी। अभी 1 मिलियन क्रॉस किया है, वेरी सून इट विल क्रॉस 5 मिलियन। थैंक यू। बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द वीडियो इन कोलैबोरेशन विद गुड़िया फिल्म्स एंड आरके सर एंड सुदाना कन्वर्स, द फैबुलस कोरियोग्राफर, बस कोरियोग्राफ द वीडियो, यू नो हाउ आई मीन द सॉन्ग इज वर्किंग ऑन डांस एंड रॉक डांसेस फ्रॉम हर। Okay, so that was a great experience working with so much talents in the one video. So you know, the singers, the dancers, the cast, the choreographer. So it was so much of fun, and you know, we had only 12 hours to shoot a song, and we did it. Actually, yeah. So you know, the temperature, the climate, the location, the shifting, and all. So it was a hectic job, but we did it, and I think it's going good. It's a very difficult task to find this type of good director. This is very difficult. Song bhi jab ban raha tha, हमें ये MP3 जो बनते हैं, पहले गाने बनते, गाने बनाने में भी बहुत समय लगा, 3 to 4 months, अरेबिक
लिरिक्स लाने के लिए, सिंग गाने गवाने के लिए. उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद वीडियो की बारी आई. वीडियो बनाने के लिए हमने देखा कि सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन सा है, इन्होंने क्या क्या काम कर रखे. आप जस्ट देखोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको. Sure, so you know, I honestly I was based in Singapore, and after you know getting in touch with Ambuj, Amol and Abhishek, having very few meetings and not knowing what's going on in the back end, all I can say is that seeing the final production, I'm extremely proud, and congrats to them, and I can see a very bright future ahead. So yeah. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. बिहाइंड एवरीथिंग हमारे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो हम शुक्रगुजार हैं हर लोगों का इससे जुड़े हुए. स्पॉट बॉय हो, मेकअप मैन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हर चीज़ हमें हर से सपोर्ट मिला है. सो आई एम थैंकफुल टू एवरी वन दोज हु आर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. या हबीबी. तो ओके, सो आई कम्प्लीटली लव्ड द सॉन्ग. सो व्हेन आई हर्ड इट एंड आई वाज जस्ट लाइक इस पे कोरियोग्राफ करना है. मेरे को बहुत मज़ा आया कोरियोग्राफ करने में. एंड ऑफकोर्स कंगना डिड इट मच बेटर देन व्हाट आई कुड इवन इमेजिन. इट वाज शी डिड टोटल जस्टिस टू द सॉन्ग एंड टू द कोरियोग्राफी एंड द वॉइसेस. एश किंग, ज्योतिका हैव डन सच अ ब्रिलियंट जॉब. ऑफकोर्स द डायरेक्टर, द होल टीम. आई हैड अ ब्लास्ट शूटिंग. आई हैव शॉट विद द टीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वुड लव टू शूट विद देम अगेन एंड अगेन, बिकॉज मेरे को इतना मज़ा आया शूट करके और ये गाना सुनकर. एंड द गाना इज सो कैची. आई मीन व्हेन इट द मिनट इट प्लेड, मैंने कहा इसमें तो नाचना ज़रूर, मतलब बहुत मज़ा आएगा. सो आई हैड अ ब्लास्ट शूटिंग. So, you know, honestly, I did not have any interaction, like I said before, with any people on the back end of the team and at MusiBay. I was only in touch with Abhishek, Amol and Ambuj. But I heard a lot. So it was, you know, it was like I was informed, but I was kept in the dark throughout. And of course, you know, due to what I do in Singapore. But it's really exciting. The most exciting part, I'd say, of, you know, the entire final production is, of course, it being catchy. And, you know, I was actually at I was attending a wedding for the last 3 days, and I heard Yaha Bibi being played by the DJ there, and it was amazing to be sitting amongst thousands of people and knowing that, hey, that's a song I was involved in producing. So I'd love to keep getting involved in projects like this, and you know, that experience is amazing. And it's great to meet Rakesh sir in person now, and hope to, you know, explore more opportunities and projects with him. So yeah, thank you. कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर राशिद भाई, बहुत प्यारा गाना है एंड फर्स्ट गाना ही इतना सुपर हिट. सो बेसिकली अभी राकेश भाई एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में जस्ट पहला, यू नो, फर्स्ट स्टेप ही इतना अच्छा और इतना हिट, सुपर हिट. बेसिकली द ट्रैक इज वेरी गुड, वेरी फाइन. मतलब थैंक यू. अरमान ठाकुर ये भी गाते हैं हमारे, अभी नेक्स्ट इनके साथ एक गाने का भी जरूर हम लोग करने वाले हैं हमारे प्रोडक्शन में, म्यूजिक एंड बुढ़िया फिल्म के साथ में. जरूर जरूर. थैंक यू. शकील आसमी सर, ओनर ऑफ बिग कर्टन्स मीडिया, एंड जो भी पोस्टर्स मुंबई में जहां भी लगे हमारे, ऑल थैंक्स गोज टू ऑल थैंक्स गोज बिकॉज ऑफ दे आर. ये दोनों हमारे अनमोल रतन है, एक राम है, एक लखन है. और सबसे पहले जब अमोल बॉम्बे में आए तो सबसे पहले मेरे कांटेक्ट में आए. बेसिकली ये हमारे भांजे लगते हैं रिश्ते में, तो उस रिश्ते में ये अभिषेक भी हमारे भांजे हुए, तो ये दोनों उस वही रिस्पेक्ट के साथ हमारे पास आए. तो आज बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है और होपफुली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी दुआएं और मेरा सपोर्ट इनका इनके साथ हमेशा रहेगा. है ना, मामा ने सच में हमें बहुत सपोर्ट किया है फ्रॉम एवरीथिंग, इमोशनल सपोर्ट, वेदर इट बी सपोर्ट इन एवरी व्हिच वे. नहीं, उसकी एक वजह और भी है कि सीरियसली ये बहुत टैलेंटेड है. हमारे घर में भी बहुत सारे मेरे भाई भी हैं, लेकिन हो सकता है कि एक भाई हमारा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो उस हिसाब से ये जो है अभिषेक और अमोल की जो जोड़ी है वो बहुत टैलेंटेड जोड़ी है. बेसिकली मैंने इनको एक और बात बोली है कि वेट कम करो. थैंक यू सो मच. शी इज़ जुमाना खान, टेलिंग मोर अबाउट हर, द वन फेस यू नो दैट कैन एक्चुअली ब्लो द दुबई मार्केट.
blow the UAE scene and also can blow the TikTok and Instagram. Yeah. It's Sumana Khan. So tell us more about the song. You heard the song? Yeah. It's beautiful. I love the song and I love the outcome. Yeah, it's really nice. Thank you. And also, should we keep that a secret what we guys are doing today? I think we should say it. Okay. So I'll ask you. Yeah. I'll ask you to go forward. So we're launching our next song, and that's called Taki Naina, and I'll be featuring it and sung by Yasir Desai. Music by Abhishek Amol, project by Ambuj, Amol and Abhishek. So yeah. Ambuj, please come. And we'll also call our producers, Mr. RK sir. Sir, Sanjeev Bhaji. So she is our very, very special guest. Yeah, over here. Very special. Please come, sir. So we are, you know, also launching our next project's details, not everything, because we want to keep it hidden. We want to make it even bigger. The track is called, sir, track ka naam? Taki Naina. It's a beautiful song. You're all going to love it. And it's being featured by Zumana and Bhavin. Both are the, you know, one of the best faces, because we'll also be releasing the poster today. So you're telling us more about, sir, gana. Gaane ke baare mein batao. Gaana kaisa hai? Gaane ka jo title hai, Taki Naina, wo inpe perfectly suit hota hai. Inko dekh ke real mein Taki Naina hi ho jata hai. That was really sweet. Aur ye gaana inpe hi suit hona chahiye tha, aur humne banaya hai, abhi dekhte hain aage. Yeah, yes. Putting it out. Rakesh ji bahut close family friend hai, aur jab se mujhe pata chala is production ke bare mein, I've been waiting for this song for very long. Aur jab se suna main loop pe yahi gana sun rahi hu. Bahut acha gana hai, singers are very nice, lyrics are too good, and the rap is way too good. I loved it, and I'm sure her club mein bhi yahi baj raha hoga. Of course, dekha hai. Aisa song laga hai, first song lag hi nahi raha hai ki Bhudiya production ka first song hai. It looks like kisi experienced production industry ne banaya hai ye gana. Doesn't look like pehla gana hai kisi production ka. Team lead ke liye kya wishes hai? Kangna hai, Abhishek hai, Amol hai, kya hai? Two talented, beautiful singers, beautiful rap, and the actress is also very hot. The dance is hot. So yeah. Thank you. Song mein nazar aa raha hai kya kehna chahenge? I'll add on main lead mein the sabse important jo main lead hai na, that is the label Musiway and Gudiya Films. Musiway the label and Gudiya Films in association. Iske baad Ash King, Jyotika Dangri ga rahi hai, main rap kar raha hu, maine gaane likhe hain, music by Abhishek and Amol, and then jo video hai, it's been directed by, you know, Akshay and Kangna Sharma in the fusion video. I mean, it's great to, you know, have all of them, such a good team to, you know, start a first project. Aur pehla project ya Habibi, going seedhe international to Dubai and UAE scenes, getting views all over from there. And Amol, you know, Amol, Abhishek and Amol, how the music journey started. Abhishek and Amol, hum Bollywood ke liye music kar rahe hain. Apart that, we also wanted, because, you know, Bollywood mein thode hum, when we do music, there is a rhythm mein banana. You know, some a track like Ya Habibi, wo tab tak ruka rahega jab tak Ya Habibi type ki film nahi aayegi, you know, an Arabic film nahi aayegi. So that was our idea, to pitch the movie, to pitch it to, you know, songs and movies. And now starting on own record label, and the first song Ya Habibi. Baki Amol will also sing the part, Arabic and Hindi part for the same. Yeah. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं और अभिषेक, हम दोनों स्मॉल फैमिली से आते हैं, और हम दोनों का एज सच कुछ म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है, और मुंबई में आके और दो साल के अंदर इतना सपोर्ट लेना, आप सभी का प्यार इतना मिला है, और हम लोगों ने अभी 3 फिल्म साइन करी हैं, और हम बॉलीवुड में कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और मैं बस आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा. और जैसा कि अभिषेक ने बोला, मैं बस दो लाइन सुना देता हूँ गाने की. फीवर मुझ पे चढ़ गया है, सानू बीमार कर गया है, कोल तू आके सीने लग जाके हाल बेहाल कर गया है. या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी, या